रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर, कश्मीर चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। दोस्तों, हमने कश्मीरी हिंदू पंडितों पर हुए अन्याय के बारे में काफी साल पहले सुना था, लेकिन अगर किसी ने उनके दर्द को लोगों के सामने एक बार फिर से लाकर खड़ा किया है तो वो है अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को देखने के बाद लोग ज्यादा भावुक हो रहे हैं। इसमें दिखाया गया कैसे कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकाल दिया गया और उन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़कर पलायन करना पड़ा था। न जाने कितने लोगों की जान चली गई और बच्चे अनाथ हो गए। एक बार आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते आखिर कौन थे कश्मीरी पंडित जिन्हें अपने ही घरों से जाना पड़ा था? इनका इतिहास क्या था? अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल है तो आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, कश्मीर का इतिहास काफी पुराना है। वहां पर कई राजा और अलग अलग शासकों ने राज किया। कश्मीर में तीन तरह के पंडित हैं, वनवासी, मलवासी, बहिरी पंडित। जब कश्मीर में मुस्लिम राजाओं का शासन था तब कश्मीरी पंडितों को वनवासी कहा जाता था, क्योंकि ये पंडित मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से परेशान हो गए थे और कश्मीर छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर बाद में ये लौट आए थे और इसलिए इन्हें वनवासी कहा गया है। दूसरे थे मलवासी, और वो पंडित थे जिन्होंने अत्याचारों को सहने के बावजूद भी अपना घर नहीं छोड़ा और आज भी कश्मीर में रह रहे हैं। तीसरा था बहिरी पंडित, यानी जिन्होंने कश्मीर में रहकर व्यापार किया था। दोस्तों, जैसे कश्मीर में आज के हालात हैं वैसा कश्मीर हमेशा से नहीं था, क्योंकि एक वक्त था जब कश्मीर में हिंदू मुस्लिम बड़े भाईचारे के साथ रहा करते थे। 1947 के बंटवारे के समय भी कश्मीर में शांति थी, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर को खुद में मिलाने की बहुत कोशिश की थी। तब भी कश्मीर में हिंदू और मुस्लिमों के प्यार की मिसाल दी जाती थी। 80 के दशक में इन दोनों के बीच बदलाव आने तब शुरू हो गए जब रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी। तब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कश्मीर में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कैंप बनाए थे। इसके बाद कश्मीर से लोग भारत वाले कश्मीर के हिस्से माना शुरू हो गए। इसके बाद ही हालात खराब होते चले गए और फिर राजनीति ने इसमें सबसे ज्यादा आग लगाने का काम किया था। साल 1986 फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने उनकी सत्ता छीन ली और खुद वहां के मुख्यमंत्री बन बैठे। गुलाम मोहम्मद की सत्ता संभालते ही कश्मीर में भारत विरोधी चीजें होने लगी। सबसे पहले मामला कश्मीर में तब आया जब गुलाम मोहम्मद शाह ने वहां के एक बड़े मंदिर को तोड़ने का फैसला किया और उसकी जगह एक मस्जिद बनाने को कहा था। ये बात कश्मीरी पंडितों को पसंद नहीं आई और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बस इसी दिन से कट्टरपंथियों को हवा मिल गई और उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, इस्लाम खतरे में है। इस तरह धीरे धीरे चिंगारी शुरू हुई और फिर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों के घर लूटे गए। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनके घर जला दिए गए। सबसे शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटनाएं, उनकी बहू बेटियों के बलात्कार किए गए। ये मामला 1986 में शुरू हुआ था और इसमें सबसे बड़ी हिंसा साउथ कश्मीर के सोपोर में हुई थी। सरकार भी इस हिंसा को रोकने में नाकामयाब रही थी और फिर सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले थे और इन चुनाव में जितने भी कट्टरपंथी ताकते थे वे सब चुनाव हार गए थे। वहां की जनता ने केवल उन लोगों को चुना था जो कश्मीर और हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। इसके बावजूद भी कट्टरपंथी ताकते चुप नहीं बैठी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चुनाव में धांधली की गई है और फिर क्या था, कट्टरपंथियों ने हथियार उठा लिए। इन कट्टरपंथियों का साथ उस समय पाकिस्तान भी दे रहा था। जब 1987 में चुनाव हुए तो उसके अगले साल यानी 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड एक फ्रंट बना था, जिसका मकसद था कश्मीर को भारत से अलग करना। कट्टरपंथी ताकतों का एक मकसद साफ था, वे किसी भी तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर करना चाहती थी। तब भी कश्मीर के हालात थोड़े सही थे, लेकिन इसके बाद 14 सितंबर 1989 को बीजेपी के उपाध्यक्ष कश्मीर घाटी के एक बड़े नेता पंडित टीका लाल टपलू को लोगों के सामने मार दिया गया और कश्मीरी पंडितों को घाटी से भागने की धमकी दी जाने लगी। ये वो दिन था जब पंडित टीका लाल टपलू को वहां की जनता के सामने कट्टरपंथियों ने सरेआम उनकी हत्या कर दी थी। इससे लोगों के मन में डर बैठ गया, अगर इतने बड़े नेता को मारा जा सकता है तो फिर आम जनता क्या है, उनका क्या होगा। इसके बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। दोस्तों, नीलकंठ गंजू वही थे जिन्होंने JKLF के आतंकवादी मकबूल को फांसी की सजा सुनाई थी। नीलकंठ की पत्नी को अगवा कर दिया गया, उसके बाद आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। प्रेमचंद वकील जिन्होंने आतंकवादी मकबूल के खिलाफ केस लड़ा था, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये तो कुछ बड़े नाम थे जिनकी हत्या की गई, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे नाम थे जिनकी हत्या के नाम सामने नहीं आए। कश्मीर में डर का माहौल बन गया था और फिर 4 जनवरी 1990 को अखबार में एक इश्तेहार छपा था
ज़हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया था। इस इश्तिहार में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने का आदेश दिया गया था और ये लिखा गया, अगर वे नहीं जाते हैं तो उनके साथ बुरा होगा। इस ऐलान के बाद कश्मीर में मारकाट, कश्मीरी पंडितों के घरों को लूटा गया। इस घटना के ठीक 15 दिन बाद यानी 19 जनवरी 1990 का वह दिन आया जिसे आज तक कश्मीर ब्लैक डे के रूप में मानते हैं। एक दिन में कश्मीर में लोगों ने अपनी जिंदगी का नर्क देखा। कई लाख कश्मीरी पंडितों ने अपनी जमा पूंजी, अपना घर बार बुलाकर कश्मीर छोड़ दिया और वह अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।